याद याद तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। क्या तो मेरी मीनू और तनवीर साहब की यादें बसी हुई हैं। मैं अपनी बाप की जिंदगी इन्हीं यादों के सहारे गुजार लूंगी। ये मेरा घर है, मैं इस घर की कानूनी और जायज वारिस हूं। क्या कहा था मैंने तुमसे? सिर्फ हालात बदलने की देर है और वो तुम्हें छोड़ जाएगी। पत्थर को हीरा समझ लिया, था ही क्या इसमें उनके पास? दिखावे की दौलत, झूठा गुरूर और कुछ भी नहीं। इतनी शिद्दत का प्यार था इन्हें निशा से, कहीं फिर से प्यार ने जगह बना ली तो? लौटने के लिए नहीं आई हूं मैं, पीछे हटना मेरी आदत नहीं है। पलट कर देखना मेरी भी फितरत नहीं। तुम देखोगे और पलटोगे भी। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही मुझे। निशा के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, पप्पो की वजह से परेशान। उनकी फिक्र हो रही है मुझे। निशा सब बर्बाद कर देगी, उसको समझाने की कोशिश भी की है मैंने, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं। अभी? हाँ, टेरेस पे बुलाया था मुझे उसने। काफी कोशिश की मैंने उसे समझाने की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहती। एक ही जिद लगाए बैठी है, लेकिन जरूरी नहीं हर जिद पूरी भी हो। कुछ चाहिए तुम्हें? मेरा घर है, जो चाहिए होगा खुद ही ले लूंगी, तुमसे इजाजत की जरूरत नहीं है। औरत का असल घर उसके शौहर के घर होता है। तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही मेरे यहाँ रहने से? हाँ, अपने बाप के घर पर हूँ मैं, चाहूं तो तुम्हें भी यहां से निकलवा सकती हूं। पहले अपने कदमों के नीचे देख लो कि जमीन है भी या नहीं, उसके बाद किसी को निकालने की बातें करना। तुम समझते क्या अपने आप को? अहमर को हासिल कर लिया तो तुम्हें लगता है कि तुमने सारी की सारी दुनिया फतह कर ली? नहीं अरेंज, अहमर को लेकर अपने दिल में इतनी खुशफहमियां पैदा मत करो, ऐसा ना हो कि हकीकत का सामना करना मुश्किल हो जाए। कौन सी हकीकत? जो तुम पे खुल गई है हस्बैंड की या हस्बैंड पर तुम्हारी? बकवास बंद करो अपनी, और खबरदार जो अपने मुंह से एक लफ्ज और निकाला। तो क्या कर लोगी तुम? इसे अहमर की जिंदगी से निकाल फेंकोगी, ऐसे ही जैसे मिन्नू को निकाल दिया था तुमने अस्फन के दिल से? हाँ, मैं आपसे बात नहीं कर रही। तुमसे बात करना भी कोई नहीं चाहता है इस घर में, और मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी इस ढिटाई और बेशर्मी पर। क्या करने आई हो यहाँ तुम, बताओ मुझे? जो बच्चे कुछ रिश्ते रह गए थे उन्हें भी बर्बाद कर देना चाहती हो तुम? हाँ, बर्बाद कर देना चाहती हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बर्बाद करने में एक लम्हा भी नहीं लगाऊंगी, सबको जला कर राख कर दूंगी मैं। आसमान,
क्यों अपनी जान लेने का शौक हो गया तुम्हें? एक बुराई तुम्हारी जिंदगी से नहीं गई तो दूसरे का सहारा ले रहे। पापा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कोई टैबलेट दे दे। मैंने खाना लगवा दिया, पहले खाना खा लो फिर दवाई ले। मुझे बिल्कुल भूख नहीं है खाने का। आज बहन सामने नाज उठाने खड़ी है तो नखरे दिखा रहे। मेरे पास तो नाजर नखरे उठाने के लिए बीवी भी थी, लेकिन मैंने उसकी कदर नहीं की। सिगरेट की राख की तरह झटक कर फेंक दिया मैंने उसे अपनी जिंदगी से। पछतावे के आंसू बहा लेने से दिल के बोझ हल्के हो जाते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम इस अज़ियत में तुम कैद होकर रह जाओ। ना मीनू तुम्हारी जिंदगी में, ना वो तुम्हारे आंसू देख सकती है और ना ही तुम्हारा पछतावा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस पछतावे से निकल आओ। क्या ये इतना आसान? आसान तो मीनू जैसी लड़की को छुपना भी नहीं था। कितना आसान है अपनी जन्नत जैसी जिंदगी को बेचकर जहन्नुम खरीद लेना। लेकिन तुमने तो कर लिया ना इतनी आसानी से। मुझे अपनी गलतियां याद मत दिलाए, मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूं। इसलिए मैं कह रही हूं इस कमरे में बंद होकर रह जाओगे तो गलतियां पीछे नहीं छोड़ेंगी। फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, तुम्हारा खाने का इंतजार कर रही हूं। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल न पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, शुक्र है तुमने रिवायती बीवियों की तरह डायलॉग्स नहीं बोले। कौन सा डायलॉग? वही सब बोलती हैं आप इतनी जल्दी। नहीं मैं नहीं बोलूंगी। मतलब खुशी नहीं हुई तुम्हें मेरे आने की? मैंने ऐसा कब कहा? कुछ कहा भी तो नहीं तुमने। खुद ही तो कहते हैं मेरे फेस एक्सप्रेशन से सब समझ जाते हैं आप। मजाक कर रहा, क्या देख रहे हो? श्री बस सोच रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा कि आप वही हैं मरण। देखो हरीश, जो अब गुजर गया है ना वो गुजर गया है, लेकिन हमें नजर उस पर रखनी चाहिए जो अब गुजरेगा। मैं वादा करता हूं तुमसे हरीश, वो वक्त बहुत अच्छा होगा। आई प्रॉमिस यू दैट। पहले मीनू मेरे रास्ते की रुकावट बनी हुई थी,
तुम्हारा प्यार रीच। मीनू तो बेवकूफ थी, आसानी से पीछे हट गई। मैं इस रीच का क्या करूं? आज इतना ज्यादा थक गई हूं। अभी से थक गई हूं, अभी तो हमारी जिंदगी का आगाज हुआ है। चलें, देर से हुआ लेकिन हुआ तो सही। आपकी इतनी सी मोहब्बत पाके मैं भी से आसमानों पर उड़ने लगी। कैसा लगा? जाहिर है अच्छा तो लगना ही था, आपकी चॉइस इतनी अच्छी है। चॉइस मेरी नहीं, चॉइस मेहराबाजी की अच्छी है, दोनों ने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया। मुझे आज तक ऐसा तोहफा किसी ने नहीं दिया, तो इसलिए चॉइस उनकी अच्छी है। जब बिल्कुल कंगाल था, जेब में एक रुपया नहीं था, मेरे आगे पीछे घूमता रहता था कि शादी कर लो शादी कर लो। जेब में चार पैसे क्या आ गए, फौरन से शादी कर ली। आपा, मैं मीनू के नाम की प्रॉपर्टी वेलफेयर सेंटर में डोनेट कर रहा हूं, आपको कोई एतराज तो नहीं? मुझे क्यों एतराज होगा भला, उसकी चीज थी उसी को ही चली जाएगी। भूलने की कोशिश करना लेकिन भूल ना पाना, लम्हा लम्हा सोच के खुद को जी भर के पछताना। मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, मर्जियां करता है ये दिल, इसको क्या समझाना, इसको क्या समझाना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। क्या कर रही हो तुम, पागल हो गई हो? हाँ हो गई हूँ मैं पागल, तुम मेरे कमरे से दफा हो जाओ। ये चीजें क्यों तोड़ रही हो तुम? मेरी चीजें हैं, मेरी मर्जी, तोड़ू फेंकू कुछ भी करूँ, तुम्हें क्यों इतना मसला हो रहा है? हाँ तुम्हारी तो बीवी तुम्हें मिल गई, जाओ जाके उसके हाथ पांव दबाओ, तेरी खिदमत कर। इससे आगे एक बकवास नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनोगे? मैं तो करूंगी बकवास। क्या करोगे तुम? हाँ मारोगे मुझे? चलो मारो मारो ना, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो ना, बहुत पारसा हो, बहुत नेक हो, एक मैं हूँ यहाँ पर जो सबसे गलत है ना। क्यों तमाशा लगा रही हो? तमाशा मैं नहीं लगा रही, तमाशा तुम लगा रहे हो अहमर। सारी जिंदगी मुझसे यही कहते रहे कि निशा मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ,
तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं है मेरी जिंदगी में, तुम ही मेरी दुनिया। अब तुम्हें मेरी तकलीफ देके तकलीफ नहीं होती, मेरा एहसास नहीं होता, मोहब्बत नहीं है मुझसे। नहीं, नहीं करता मोहब्बत। धोखा था, सिर्फ धोखा। झूठ मत बोल रहे, खुद को धोखा मत दो, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में ना आज भी सिर्फ मैं हूं, सिर्फ तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की नहीं, क्योंकि तुम नहीं कर सकते किसी से मोहब्बत मेरे अलावा। और ये तुम्हारी बीवी, ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, तुम्हें इससे कोई मोहब्बत नहीं, ये एक जबरदस्ती का रिश्ता है जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे सर पे लाके बिठाया है। अहमर, मैं तो खुद को धोखा छोड़ दो इसे। कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अच्छा, तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूं कि तुम्हें ये खुशफहमी लाहक हो गई। वेरी नाइस। मैं तो तुम्हारे लिए अपना ना सब कुछ छोड़ के आ गई हूं इस बार। बिल्कुल खाली हाथ है मेरे, कुछ भी नहीं है मेरे पास, असबंद उसकी दौलत में सब कुछ। कौन सी दौलत? जो उसके पास नहीं रही वो दौलत? अहमर, प्लीज बात करने की कोई जरूरत नहीं, आप चले मेरे साथ, आ जाए। तुम्हें मुझे कबूल करना होगा अहमर, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जो जानते नहीं हो तुम अभी, बताओ करोगे मुझसे शादी या नहीं? मुझसे शादी करोगे? जिंदगी को मजाक नहीं है निशा, और ना ही तुम्हारी पसंद का कोई लिबास है कि तुम। मैं तुमसे कोई और बात नहीं कर रही, मैं तो तुमसे ये पूछ रही हूँ कि मुझसे शादी करोगे या नहीं, हाँ या ना। है ना, ये क्या हो रहा है इधर, और ये क्या है? छोड़ा से, छोड़ा से। क्या समझती हो तुम अपने आप को? हाँ, हाकिम हो, खुदा हो, और कौन तुम? क्या हम तुम्हारी ऑर्डर करोगी चल पड़ेंगे, जिसको चाहोगी इस्तेमाल करोगी और छोड़ दोगी। तुम ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ है। बस अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है निशा, अब और नहीं। तुम्हें क्या लगा मैं कोई फरिश्ता हूं जो तुम्हारी सारी गलतियां सारे गुनाह माफ करके तुम्हें अपना लूंगा, अपनी जिंदगी में तुम्हारा जगह दूंगा? नहीं निशा, मैं फरिश्ता नहीं हूं। मैं आज भी तुम्हारे दिए हुए हर जख्म को याद करता हूं और कभी भुला नहीं पाया, और ये जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं टूट कर रेजा रेजा हो गया था, तो इसने मुझे जोड़ा, इसने अपनाया, और तुम चाहती हो कि आज तुम्हारे लिए मैं इसको छोड़ दूं? ये सोच भी कैसे लिया तुमने? हां लेकिन तुम तो कुछ भी सोच सकती हो, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जालिम और खुदपरस्त समझता था ना, तुम उससे कहीं ज्यादा जालिम और मफाद परस्त हो। आप अरीज को लेके नीचे जाए, मुझे से बात करनी है। तुम कहां जा रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई।
मुझे तुम्हारी फजूल बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किस खुशफहमी में हो तुम? 6-7 बार तुमसे हंसकर बात क्या कर ली मैंने? तुम्हें लगा मैं सब कुछ भूल चुका हूं? नहीं निशा, कुछ नहीं भूला मैं। ना अम्मी की मौत, ना मीनू की मौत, ना पापा जान की मौत, कुछ भी नहीं भूला मैं। उस दिन पार्टी में देखा था ना तुम्हें, तो दिल तो किया था कि तुम्हें बर्बाद कर दूं, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे बर्बाद किया था। तुम्हें अपने पास बुलाऊं, कि मोहब्बत के जाल में फंसाऊं और उसी तरह ठोकर मारकर चला जाऊं जैसे तुम मारकर चली गई थी। लेकिन मुझे लगा उसकी तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि असवंत के पास वो स्टेटस नहीं रहा, तुम्हारे पास उसको इस्तेमाल करने की कोई वजह, क्योंकि तुम्हें असवंत से कभी मोहब्बत तो थी ही नहीं, तुमने सिर्फ उसको इस्तेमाल किया। और आज तुम मेरे पास आई हो और ये कह रही हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। नहीं निशा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, तुम मेरे पास भी मेरे स्टेटस, मेरे बिजनेस, मेरे लाइफस्टाइल की वजह से आई हो। तुम्हें जो आज चाहिए वो तुम्हें नहीं मिलेगा निशा, तुम्हें ये चाहिए स्टेटस। लेकिन मैं आज भी ये हूं, पहचानो इसे, ये वही घड़ी है निशा, मेरी हैसियत। जो तुम्हें कभी अच्छी नहीं लगी, इसलिए आज तुम इसके भी काबिल नहीं हो। अब रहो यहां अकेले। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सेना। याद 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 तेरी मेरे साथ चलेंगे। कहाँ? मीनू की कब्र। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा दाजाब सहना। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरी लाहौर की फ्लाइट है। आई विल मैनेज, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी। अतीश, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा पाऊंगा, लंदन से एक डेलीगेशन आ रहा है, आई हैव टू बी देयर, इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बट यू डोंट वरी, मैं किसी होटल में स्टे कर लूंगा। होटल में स्टे क्यों करेंगे जब अपना घर है, वो भी सिर्फ निशा की वजह से? ऐसा हरगिज नहीं हो रहा, ना मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अरिशो, हैंडल कर लोगी उसे? आई मीन, सब प्रोजेक्ट में है, बहुत जज्बाती है। क्या मतलब हैंडल कर पाऊंगी या नहीं? वो जिद्दी है तो क्या हुआ, मैं कम जिद्दी हूँ, आई हैंडल हर। आप ये फिर पप्पो को बता दो। मैं बताती हूँ पप्पो को, ये बाद में करूँगी, बता के आती हूँ।
बात करनी है तो अभी करनी है, वरना मैं भी बार बार फोन करती रहूंगी। Excuse me. हेलो, मैं अभी बात नहीं कर सकता, बिजी हूं मैं। थैंक्स कहने के लिए कॉल की अहमर। किस बात का? रुकने के लिए। मैं तुम्हारी वजह से नहीं रुका, और अगर ऐसी कोई खुशफहमी है तो दूर कर लो। यही तो मसला है, दूर नहीं कर सकती, ना तुम्हें खुद से और ना ही किसी ऐसी सोच को। मेरे पास तुम्हारी ये सारी फजूलियां सुनने का टाइम नहीं है। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हम रुके जरूर हैं लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। अच्छा कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे इस बात से पड़ता है कि अहमर मुझसे दूर नहीं, शायद वो कभी दूर हुआ ही नहीं। तुम थकती नहीं हो इस तरह की बातें कर करके? मतलब तुम्हारी जिंदगी में और कोई काम है ही नहीं बजाय ऐसे कि तुम इस सब के बारे में सोचो? नहीं थकती मैं, क्या करूं? डूब मरो। मेरी मेरे दुश्मन, और फिर शायद इसी बहाने मेरे रास्ते साफ हो जाए। अरीज, अहमर की फिक्र मत करना। क्या है ना, तुम्हारे मरने से अहमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ा भी ना तो मैं हूं, संभाल। संभालना है ना तो खुद को संभालो, क्योंकि तुम्हारी जिद और तुम बहुत बुरी तरह टूटने वाली है। मैं टूटती नहीं हूं, तोड़ देती हूं। चाहे वो किसी का मान हो या भरम। देखो ना, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए अहमर को तुमसे मोहब्बत किए हुए। कितना पोजेसिव है, इतना इनसिक्योर हो रहा है ना। मेरा तो बचपन का आशिक है, आज नहीं तो कल फटेगा जरूर।
सलाम आपा। वालेकुम सलाम। उठ गए तुम? सोया ही नहीं था। बैठो। अजीब बात है, इतने दिन हो गए तुम्हें अपने घर आए, फिर भी नींद नहीं आती। अपना इधर रहने कब दिया? प्लीज मेरे साथ चलेंगे। कहाँ? मीनू की कब्र। क्या करोगे वहां जाके? असीब दुखी होना चाहते? माफी मांगू? जब तक वो माफ नहीं करेगी मैं रोज जाऊंगा। जो मीनू ने अपने बर्थडे पे दी थी, निशा ने तो मीनू की हर चीज तुमसे दूर कर दी थी। जब सब कुछ जल के राख हो जाता तब भी कोई ना कोई चिंगारी रह जाती है। याद 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 तेरी नाल नाल रहना, दिल ने बार बार सोचा नंबर ही नहीं, तुम्हें भी अपनी जिंदगी से कब का ब्लॉक कर चुका हूं मैं। समझते क्या हो तुम? नंबर ब्लॉक करने से तुम मुझसे पीछा छुड़वा लोगे अपना? हाँ? चलो तुमने माना तो सही कि अपना आप जबरदस्ती मेरे पे थोप रही हो। तो इतनी इंसल्ट कभी नहीं सोचा था हेमर। तुम सोचती ही कब हो? वरना मेरा बिहेवियर देखकर कब की लौट जाती? यूं बार बार मेरा रास्ता मत रोकती। तो बिहेवियर मैं बिहेव करूं? मैं बिहेव करूं? हाँ, और तुम क्या कर रहे हो? जो मर्जी आएगा कहोगे मुझे, जितनी चाहोगे बेइज्जती करोगे मेरी।
बुरा लगा? कट महसूस हुई ना बेइज्जती? आज के बाद अगर मेरा रास्ता दोबारा रोका तो इससे बहुत ज्यादा बेइज्जती करूंगा। ये तो रोगा अंधा रास्ता मत रोक। Turn on.